पुलिस ने हस्बैंड हस्बैंड के माता पिता और उसकी तीन बहनें और उसके एक जीजा और एक उसके चाचा के खिलाफ चार्जशीट पेश किया। सेक्शन 498A सर स्टेज क्या है? स्टेज है सर, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है सर। एक ही गवाह एग्जामिन हुआ है, वो हमने गवाह की कॉपी प्रोसेस अच्छी करेंगे। बात है सर। इसमें सर एक चार तीन सर पहला विशेष एक प्रॉब्लम है सर, अगर आप काइंडली पहले देख लें प्रॉब्लम तो यह है कि 5 साल के बाद आर्ग्यू किया जा रहा है, सर, वो भी एडमिशन पे। उसका उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। हाँ उसका रीजन है ये जो हमारी एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हाँ इसका पैरा चार काइंडली देख लीजिए सर। पैरा चार में है कि इसमें जो एक एप्लीकेंट है कोमल डांगी, उसको ओवेरियन कैंसर अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, दैट टू स्टेज थ्री। उसके हमने कागज भी लगाए हैं। मैंने तो कहा सबसे बड़ा परेशानी ये है कि 1900 में पेश करने के बाद 24 में पहली बार एडमिशन पे बहस की जा रही है। 5 साल तक हाई कोर्ट में कुछ नहीं होने दिया गया। नहीं ऐसा नहीं है सर, अब देखिए हाँ कहीं लगा नहीं सर केस, कभी लगा नहीं, हाँ कभी नहीं लगा। नहीं लगा सर। एक बार मैं अफेयर हुआ, उसके बाद कोरोना काल में लगा तो कॉमन ऑर्डर हो गया कि ऐसा लगा, है ऐसा है। उसके बाद फिर आज लगा, उसके अच्छा, बाद 1 जनवरी 2019, 1 मार्च 2019 जी as prayed by learned Council of Additional बस वो adjourn। एक पहली बार सर, अच्छा नहीं वो पहली बार नहीं है सर, उसमें तो मैं अफेयर हुआ था पहले सुन बार, लीजिए सुन फर्स्ट लीजिए। टाइम। 1 3 2019 at the request of Council for the Petitioner list in the next week। कोई सिर्फ एक ही बार, ये भी मैं अपीयर नहीं हुआ सर काइंडली, मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना काल में बात तो कॉमन ऑर्डर भाई तो लगा ही साहब, हुआ है सर। 2019 में तो चाइना को भी नहीं मालूम था कि उसके यहाँ पे ये चाइना हो को रहा है। नहीं सर, कहाँ 2019 में कोरोना ले आए आप? पहला पहली कहाँ 2019 में काहे कोरोना ले आए? बार तो मैं अपीयर हुआ था सर, उन्होंने डायरी कॉल की थी सर काइंडली, और दूसरी बार डायरी नहीं थी, बस इतना ही था बस। तीसरी चलो बार अभी मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे ऑर्डर शीट यार? 1 मार्च 2019। मैडम अभी आप रुको, अरे मैडम रुको तो सर सुन तो जी लीजिए। सर, जी सर, एज प्रेड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स लिस्ट दिस केस इन द नेक्स्ट वीक। 7/11/19 द एडवोकेट्स आर एब्सटेनिंग फ्रॉम कोर्ट वर्क। पुष्पा दांगी आप ही हैं है जी ना? 11/12/19 श्री सुधीर कुमार शर्मा, सुश्री नालिनी नलिनी गर्ग, केस डायरी इज नॉट जी अवेलेबल। यहाँ पर 9/1/20 नन फॉर द एप्लीकेंट। हाँ, ये कोरोना काल में था सर, कोरोना पहली काल बार 9 जनवरी 2020 में कोरोना कहाँ से आ जी गया था? बीच यहीं से था सर, यहीं से था जनवरी 2020 में कोरोना कहाँ से आ गया था? 20 और 21 ही तो था सर, आप वुहान में रहते हो क्या सर? 20 और 21 ही तो आप था वुहान में सर, रहते हो? आप वुहान में रहते हो तो मैं मान लेता हूँ सर कि वहां आ गया था। काइंडली मेरा पैरा फोर देख लीजिए सर, साहब उसको तो आप बताओ, रिपीट पांच कर पांच लीजिए, साल तक तो आप लोग पेंडिंग रखे हुए केसेस को। उसको कहाँ बड़ा अप्रिशिएट कर लीजिए सर, बताइए नंबर सर, फोर FIR बताए सर, पहले अपन जी। FIR दो। Page 41 पे FIR है और उसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट Page 47 पे है, मेरे रनिंग पेज में तो मैंने लिखा है सर, फोर्टी अच्छा सेवन जी एक सेकंड सर, ये क्या डॉक्यूमेंट्स टेकन ऑन रिकॉर्ड के साथ जी है जी क्या? अक्यूज ज्यादा है ना तो जी हस्बैंड को छोड़ के लगाइए एप्लीकेशन। चलो, मतलब आपके हिसाब से हस्बैंड अच्छा आदमी नहीं है। हस्बैंड पे 495 हमने पूरा चैलेंज किया ही नहीं, हमने सिर्फ 495 सेक्शन को चैलेंज किया है 495 को चैलेंज जी, किया? बाई गेम को बस अच्छी फोर बात है। नाइनटी फोर और सिक्योरिटी पर कि भैया ये हस्बैंड के खिलाफ एप्लीकेबल है, बाकी किसी के खिलाफ एप्लीकेबल तो शादी में ना है नाचे थे क्या? नहीं सर। ये इसके लिए मैं जजमेंट लाया हूँ सर, मेरे ये इसमें शादी में नाचने से कुछ नहीं होता। इसमें लिखा हुआ है सर इनमें कि अगर ये दो तीन लाइन पढ़ लूँ सर, रूपेश दांगी हस्बैंड है, रूपेश दांगी अपने रिश्तेदार के साथ भांजे की शादी के लिए रिश्ता लेकर मेरे घर पर आए। कुछ दिन बाद रूपेश ने मुझे बताया कि रूपेश खुद की शादी के लिए रिश्ते की बात करने आया था, रूपेश शादी करना चाहता है। रूपेश से 28 मई 2015 को कंकाली मंदिर रायसेन में मुझसे हिंदू रीति रिवाज से परिजनों की उपस्थिति में शादी हुई। शादी में मेरे आपके साथ चार्जेस कहाँ हैं सर? पेज चार्जेस हमने नीचे एप्लीकेशन के मेन एप्लीकेशन के साथ पेश किए हैं, नंबर पाठों के पेज नंबर मेन एप्लीकेशन में पेज नंबर 20 के बाद सर, 10/12। 20 के बाद है, जैसे श्रीमती पुष्पा डांगी पहली बार तो 495 में कहते हैं आपने द्वितीय विवाह किया। पेज नंबर पेज नंबर 20 है हमारा ओरिजिनल एप्लीकेशन का, 3 नंबर चार्ज है आपने, ये पुष्पा डांगी आपको को 498A से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पाँच सौ सर, छः पार्ट टू से नहीं है, जी सर सिर्फ 495 495 से जी प्रॉब्लम सर, है। जी सर सबका ऐसे ही लिखा उन्होंने सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये FIR किसने लॉन्च कराई? पहली बीवी ने कि सेकंड ने? सेकंड ने सेकंड ने कराई। शादी में आप गए थे? गए शादी में गए थे सर थे। जी 495 क्यों नहीं बनेगा? सर, मैं इसलिए यही निवेदन कर रहा हूँ सर, लीगल इशू
काइंडली तीन जजमेंट देख लीजिए, अरे जजमेंट बाद में देखें, उसमें पहले अपन। स्पेसिफिक कहा है सर कि सिर्फ प्रेजेंट होना शादी में हाँ या शादी ये जानते हुए कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और हाँ प्रेजेंट हुए तो रिश्तेदारों के ऊपर 494 आप नहीं। कौन हैं सर, आप कौन हैं सर उसके दूल्हे के? मैं माता पिता हूं, आपको नहीं मालूम था उसकी शादी होती? पहली मुझे शादी हो गई, पहले मालूम है सर, मगर उसके फिर बाद भी उसके वही जजमेंट है सर मेरे हो पे। गया, फिर कहानी खत्म है सर। चार्जेस तो बनेंगे बनेंगे, सर दीजिए खाएंगे आप देखिए ना सर। इसमें कौन से रेलिवेंट लाइन पढ़ना चाहेंगे। जी सर, श्रीनिवास सागर पैरा पैरा 9 देख लीजिए सर, श्रीनिवास सागर जी का पैराग्राफ 9 पैरा 9 जी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर? हाँ और पढ़ो सर। जी अ पेरुसल ऑफ सेक्शन 494, 495 एंड 496 आईपीसी मेक्स इट क्लियर दैट दोज ऑफेंसेस कैन बी परसूड बाय ए स्पाउस अगेंस्ट एन एरिंग स्पाउस एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली और मेंबर्स इसके ऑफ द। रीजंस क्या हैं सर ये लिखने के? ये जो लिखा है कि अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, जी तो ये लिखने के रीजंस क्या जी जी हैं सर मैं बता, ये पैरा पैरा 5 देख लो सर, पैरा 5 पढ़िए बताइए सर। जो कंटेंशन था। पर कंट्रा लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट अबाउट टू सबमिटेड दैट द वर्ड में एग्री पर्सन नहीं इंटेंशन टू सेट लॉ। जनाब 2011 वॉल्यूम 7 SSC 616। नहीं सर, ये किसी और इशू पे है, ग्रीफ पे है सर। आपने जजमेंट दिया मेरे भाई, जी 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 आप देख लीजिए और उसके बाद सर तब तक ये भी देख लीजिए सर, नहीं तब तक नहीं, पहले इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे। ये अग्रीव पर्सन के था कि मदर फादर कर सकते हैं कि नहीं, तो वो तो कर सकते हैं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है सर, क्या कर इसमें सकते हैं सर? कंप्लेंट कर सकते हैं कि नहीं नहीं सर। बाइगेमी की। जी तिमप्पा में भी एक मेरे भाई, इसमें दो थोड़ा हजार क्लियर है सर, इसमें रीजंस वगैरह क्लियर है सर। तीन आपको जो सबसे अच्छा पसंद आ रहा है वो वाला दे दो। तीन 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 केसेस है सर और पसंद आए? हाँ जी लेटेस्ट है सर, रिसेंट लेटेस्ट अरे ये कोई सब्जी है कि जो ताजी है, ये बासी है? सर कानून कानून है या यार, कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। कानून कानून है। उल्टा कानून तो ये है कि अगर लेटेस्ट लॉ में पुराना लॉ नहीं कंसिडर हुआ तो जी लेटेस्ट लॉ नहीं माना जाएगा। हाँ श्रवण जी को देख रहे हैं। श्रवण सिंह में देखिए सर, ये पैरा 13 तेरा तेरा पेज है, पेज 19 में। 19 में क्या कहते हैं सर? इसमें बहुत सारे केसेस को एनालाइज करके डिस्कोर्स बिल्कुल ने अच्छा, लिखा है, दिस कोर्ट डज ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड आउट ट्यूल्ड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लॉ एनालाइज हियर। द ट्रूथफुलनेस ऑफ एलिगेशन अवर्ड इन एफआईआर कंप्लेंट क्लॉज कैन नॉट बी, ये तो सर उसमें कोई विवाद नहीं। 13.2 एज नोटेड इन केस ऑफ चांद धवल, मियर प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ द बाइगेमस मैरिज डिस्पाइट नॉलेज ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट अर्लियर मैरिज वुड नॉट अमाउंट टू इंटेंशनल एड और अबेटमेंट लॉ एनालाइज हियर। द ट्रूथफुलनेस ऑफ एलिगेशन अवर्ड इन एफआईआर कंप्लेंट क्लॉज कैन नॉट बी, ये तो सर उसमें कोई विवाद नहीं। 13.2 एज नोटेड इन केस ऑफ चांद धवल, मियर प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ द बाइगेमस मैरिज डिस्पाइट नॉलेज ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट अर्लियर मैरिज वुड नॉट अमाउंट टू इंटेंशनल एड और अबेटमेंट, अबेटमेंट भी नहीं। 13.3 है उसके बाद एज नोटेड इन द केस ऑफ मालन एंड सो एंड सो एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ सेकेंड मैरिज मियर प्रेजेंस ऑफ पर्सन द एक्ट ऑफ थ्रोइंग होली और सेक्रेड राइस कन्यादान और अदर स्पेशल एक्ट डन डिस्ट्रीब्यूशन। कन्यादान तो कैसे हो जाएगा? दूल्हे का वो तो माँ बाप के हो गए ना, लड़कियों के माँ बाप के लिए कन्यादान हो गया, तो कन्यादान वाला तो खत्म हो गई बात और जैसा भी उन्होंने लिखा है ना। जैसा भी क्या यार, सर, कन्यादान कौन करता है? दूल्हे के माँ बाप? सर अबेटमेंट में तो लगा सकते अरे हैं, तो देखे, हाँ हस्बैंड के भाई अगर मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी है, कोई अबेटमेंट है, कोई हाँ ऐसा एलिगेशन है तो हो हाँ सकता है, तो 494 किसके ऊपर लगता है सर? वो तो 494 सर जो भी शादी करेगा स्पाउस उसके ऊपर लगना चाहिए, और जो अबेट करेगा ये सब स्पाउस चाहिए से मतलब नहीं है हमको। उसके क्या ऊपर डेफिनेशन तो वही है सर, है जो शादी करता है 494 पर पढ़ देता है बाइगेमी किसके लिए लगती है सर? भाई गैमी, जो स्पाउस के ऊपर लगेगी सर, जो भी लड़के स्पाउस पे कि लड़की पे? लड़के के ऊपर भी लग जाएगी, लड़की के ऊपर भी लग जाएगी स्पाउस, मतलब नहीं लगेगी लेकिन वो तो दोनों के ऊपर लग जाएगा। हाँ ठीक है ना, इसलिए तो पूछा। तो जी कन्यादान वाला आस्पेक्ट तो लड़कियों के लिए हो गया, जी अच्छी बात है। ये फाइंडिंग देने के लिए कि पता है माँ बाप को जी कि ये लोग जो हैं जी वहाँ पे ये दूसरी शादी कर रहा है, जी उसके बावजूद भी लोगों से छुपाते हैं छुपाते ये। हैं, मतलब वो कहें सर उसमें कहा है उन्होंने कि भैया बहुत सारे कंसिडरेशन हो सकते हैं। मैं वही तो पढ़ना समझना चाह रहा हूँ ना जी यार, क्यों लिखा है ऐसा उन्होंने। अब आप पैराग्राफ 12.1 पे आ जाइए सर, उसमें जो बोल्ड लेटर हैं वो कहाँ, जरा पढ़ेंगे जी सर जी बताइए।
As regards accused number three, the only additional fact has been found is that the distribution fund after the so-and-so marriage was celebrated. This is, in my opinion, is in itself an inactive asset, and it cannot be. 12.1, sir. Chand Dhawan, page 9, number. In Chand Dhawan, Jawaharlal, so-and-so, decided by Honorable Appeals Court on so-and-so, it has been observed thus. We are therefore at the view that the High Court has clearly erred in reaching the conclusion that the proceedings are liable to be quashed in the light of allegation made in the complaint and the materials produced in support of those allegations by the appellant before the magistrate. The issue of the process to the respondent number 1 and 2, who are alleged to have solemnized the second marriage during the subsistence of earlier valid marriage of the appellant, is proper, and when process has been issued, the proceeding have to be continued in accordance with law against these respondent number 1 and 2. So far as other respondents are concerned, it may be said that they had been unnecessarily and excessively roped in. The allegation in the complaint, so far as these respondents are concerned, are vague. It cannot be assumed that they had, by their presence or otherwise, facilitated the solemnization of a second marriage with the knowledge that the... With the knowledge. ये तो राजस्थान हाई कोर्ट का तो कॉन्ट्रेरी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। आपने खुद कहा है कि मैं माता पिता हैं, भाई बहन, हमको मालूम था उसके शली शादी हो गई। तो इसमें काइंडली थिमप्पा देखिए, इसमें क्लियरली कहा है उन्होंने नॉलेज, देख लीजिए सर काइंडली। ऐसा मैं राजस्थान हाई कोर्ट को नहीं मानने वाला जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ है। कैसे कह दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने यार, सर नॉलेज वाली बात कैसे कह दिया है? अब आप मुझे बताइए लॉ क्या कहता है। सुनिए, द एलिगेशंस इन द कंप्लेंट सो फार एज दीज रिस्पोंडेंट्स आर कंसर्न आर वेग, ये उस केस के बारे में। इट कैनॉट बी अज्यूम्ड दैट दे हैड बाय देयर प्रेजेंस और अदरवाइज फैसिलिटेटेड द सोलेमनाइजेशन ऑफ अ सेकंड मैरिज विद द नॉलेज दैट द अर्ली मैरिज वाज सक्सेस। आप सपोज सर, आपके पास कार्ड आए शादी का, आप जाएं, आपको नहीं अपराधी बनाया जा सकता क्योंकि जब तक आपको पता ना हो कि इसकी दूसरी शादी है, पहली शादी अभी चालू है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। परंतु साफ साफ लिखने के बावजूद भी राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा है कि साहब चाहे पता हो या ना पता हो नहीं बनेगा। कैसे सर? सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट का बताइए मेरे को, देना 2011 वॉल्यूम 7 SCC। जी सर, इसमें क्या है, इसमें रीजंस बताइए सर। डिसीजन एंड कंक्लूजन पैरा 14। At the outset, we may note that the complaint was filed alleging commission of the offence punishable under Section 494, read with Section 34 IPC. However, post recording pre-charge evidence, the learned GMFC passed an order dated so and so, directing framing of charge against all the accused persons for the offence punishable under Section 494 IPC. Paragraph 17 pe aa jao sir, seedhe seedhe. राजस्थान का मुझे वही है सर, अबेटिंग इट इज पिक्यूलर। मेरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो। 17 का जहां से पैराग्राफ चालू होता है उसके आगे आओ, अगले पन्ने पे आओ। इन ऑर्डर टू ब्रिंग होम द सेट चार्ज, द कंप्लेनेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्राइमा फेसा प्रूव नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्संस बट द ओवरएक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्संस इन द सेकंड मैरिज सेरेमनी एंड establish that such accused were aware about the subsisting of the marriage. Section 4, इसमें kindly देख लीजिए भाई, बार पढ़ लीजिए। 34 लगना चाहिए। Section 34 हमारा charge frame नहीं हुआ। वो charges 216 में सब ठीक हो सकते, चिंता मत कीजिए। और 494 नहीं है, 495 लगा है सर। 494 का extension ही 95। नहीं है सर, 494 का extension जो होता है, दूसरी शादी करना 494 और दूसरी शादी को छुपाना, जिसने भी छुपाया वो 495। तो ये एक्सटेंशन है, पर ये मेन अक्यूज के साथ 495 लग सकता है। आपने छुपाया है, आप माता पिता हो, भाई बहन हो, सबको मालूम था उसकी शादी है, और आप जितने जजमेंट साइट कर रहे हैं सिवाय राजस्थान हाई कोर्ट के, बाकी सारे आपके खिलाफ है। हाँ, 495 भी है, ठीक है ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, क्या गलत है उसमें? 495 पे अपन देखते हैं ना, whoever commits the offence defined in the last preceding section having concealed from, चलो आप 34 पे आ जाइए, उसमें क्या abatement पे आ जाइए, charges तो 216 में तो charges कभी भी judgment में अगर आप वो देखेंगे तो उसमें ये श्रवण में उसमें लिखा abatement भी नहीं होता actually, पता नहीं सर, वो तो हमारे digest ही नहीं हो रहा था, और जिस जिस judgment के ऊपर लिखा वो judgment ही खिलाफ है। In view of the judgment passed by seeking the following relief, in view of the judgment passed by Supreme Court in the case of, अरे सर आपकी मेहनत भी तो दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? नहीं सर, जबरदस्ती पक्षकार कहेगा।
ये सर थोड़ा वो हो जाएगा क्यों हो जाएगा, इसलिए। क्यों हो जाएगा सर? जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चांद धवन, मैं ऑब्जर्वेशन थोड़ी कर रहा थोड़ा हूँ, मुश्किल हो जाएगा सर, क्या मुश्किल हो जाएगी इसलिए सर? थोड़ा बाइंडिंग हो जाएगा ट्रायल खुद के ऊपर, थोड़ा सा वो दिक्कत परसुसिव हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग सर। है? ठीक है सर, कर मेरा लेंगे मेरा वो फैक्ट एंड आप सरकमस्टांसेस सीधा बोलो कि हम ट्रायल कोर्ट को नहीं बताएंगे, तो नहीं सर ऐसा नहीं सर, आपका काम हम कर दे रहे हैं ना? नहीं सर नहीं नहीं कर नहीं नहीं इसका ऐसे, इसका ऐसे विचार कर दीजिए सर, आपका आर्गुमेंट को सुन करना सर। हाँ चलो हम लिखाएंगे ना उसको, ऐसा थोड़े होता है यार। इन व्यू ऑफ द जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चांद धवन वर्सेज जवाहरलाल क्रिमिनल अपील नंबर 269/1992 डिसाइडेड ऑन 28/4/1992 एज वेल एज जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ए सुभाष बाबू वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अनदर नहीं एस नितिन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला डिसाइडेड ऑन 15th of May 2024 इन एस एल पी क्रिमिनल नंबर 8529/2019 द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सीक्स परमिशन ऑफ दिस कोर्ट टू विथड्रॉ दिस एप्लीकेशन इट इज अकॉर्डिंग टू डिसमिस एज विथड्रॉ।